इधर अवैध खनन के फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए कि खनन करने वालों के सामने हथियार डाल चुकी है सरकार। मध्य प्रदेश में रेत माफियाओं का कब्जा है, माफिया के कारण खदान कंपनियां यहां से भाग रही हैं। खनन पर की गई कार्रवाई सरकार बताए, क्या कार्रवाई की गई, ये सवाल उठाए के मिश्रा ने। कैबिनेट में जो आज अवैध उत्खनन को लेकर प्रस्ताव आया है वो सीधी तौर पर संकेत है कि शिवराज सरकार ने रेत माफियाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। अन्यथा सरकार ये बताए कि रेत माफियाओं को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार सख्त कदम उठाने की बात कही है, कितनों पर सख्त कदम उठाए गए या दिखाई दिया है। यहाँ तक कि मुझे ख्याल है कि मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में एक खनिज इंस्पेक्टर मिसेस पांडे थी, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के ही रिश्तेदारों की जब गाड़ी पकड़ी तो वो मिसेस पांडे का मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफ़र कर दिया, खुद ने करवाया ट्रांसफ़र।